दोस्तों मेरे पास सामने एक पेशेंट बैठे हैं जिनको डायबिटीज है, फैटी लीवर है और इंसुलिन प्लस इंसुलिन ले रहे हैं प्लस 5 गोली खा रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि इनको शुगर कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि शुगर की एक गोली ये खा रहे हैं, 45 गोली आती है, ये बड़ी स्ट्रांग गोली भी 2 गोली खा रहे हैं और 2 गोली कुल 5 गोली खा रहे हैं और इंसुलिन भी ले रहे हैं 20 यूनिट लैंटस ले रहे हैं, तो कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा। तो हम आपसे पूछेंगे कि 2-3 सवाल कि आपका वेट कितना है और इंसुलिन कितना लगा रहे हैं आप और कब से लगा रहे हैं। मेरा वेट करीब 74 केजी है और मैं करीब 7-8 महीने से लैंटस लगा रहा हूँ, 20 यूनिट नाइट में लगाता हूँ, मगर फिर भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है। सुबह के मॉर्निंग में फास्टिंग में मेरा शुगर जो है 150 के आसपास रहता है और लंच के खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद करीब 250 करीब रहता है और इतनी गोलियां खाने के बावजूद मेरा शुगर जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और आप डाइट कितनी रोटी खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बताएं। मैंने चावल बिल्कुल छोड़ दिए और मॉर्निंग के टाइम में भी मैं 3 रोटी 3.5 रोटी या 4 रोटी खाता हूँ करीब और लंच में 3 रोटी और 4 रोटी के आसपास और ऐसे ही नाइट में करता हूँ और बीच में लंच और उसके बीच में करीब 2-3 चाय लेता हूँ। तो देखिए 2-3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले आपका डाइट बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब डाइट है, बताऊँ क्या ख़राबी है। तो देखिए क्या सबसे पहले हम एक चीज़ बात करें, डायबिटीज कंट्रोल क्यों नहीं आता है। तो पहला डाइट, हमने बार बार वीडियो बता रखा है आपको, कई वीडियो बता रखा है डाइट में, हमारा वीडियो सुनेंगे डाइट नहीं डायबिटीज वीडियो बना रखा मैंने। डाइट में जो भी डाइट ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 3 रोटी सुबह खा रहे हैं, 4 दोपहर खा रहे हैं, 4 रात खा रहे हैं, साथ में थोड़ा दाल सब्जी खा लेते होंगे, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट 85% कार्बोहाइड्रेट है आपका। आप सब जान लो जब भी कार्बोहाइड्रेट डाइट में ज़्यादा होता है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज रिलीज होता है जो सडन शुगर बढ़ाता है। नंबर वन, जब शुगर सडन बढ़ता है तो उसका कुछ पार्ट लीवर के अंदर फैट में कन्वर्ट होता है जिससे फैटी लीवर हो जाती है। सेम हाई कार्बोहाइड्रेट से सडन राइज ऑफ ग्लूकोज से बॉडी के अंदर लिपिड बढ़ता है, बैड ट्राइग्लिसराइड हाई होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल घट जाता है। तो आप सब जान लो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट शुगर के लिए तो बुरा हाई है, फैटी लीवर भी करता है और ब्लड में लिपिड को डिस्टर्ब करता है। इसी हाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से हम इंडियन लोग के अंदर डायबिटीज तेजी से बढ़ रहा, फैटी लीवर तेजी से बढ़ रहा और हार्ट खतरा भी तेजी से बढ़ रहा। तो आपको पहला डाइट करेक्ट करना पड़ेगा। डाइट में क्या करना होगा, मैं बोला 50% ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रोटी, चावल, आलू, मटर, मक्का, हरी मटर, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कम खाना आपको। तो मैं कहूँगा आप सुबह के नाश्ते ब्रेकफास्ट में आप कार्बोहाइड्रेट से हाफ कर लीजिए, 3 को 1.5 रोटी कर लीजिए, दोपहर के 4 को भी 2 रोटी कर दीजिए और रात 4 भी 2 रोटी कर दीजिए। अब जो घटाया आपने उसके मतलब क्या बढ़ाना, आपको प्रोटीन बढ़ाना है और गुड फैट बढ़ाना है। हम इंडियन लोग प्रोटीन कम खाते हैं। प्रोटीन कहाँ से आएगा, आप वेज है नॉन वेज है, आप दोनों खाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप दोनों खाते हैं तो आप 2 अंडे सुबह 2 अंडे शाम जोड़ लीजिए, बॉयल्ड अंडे येलो हटा करके, तो 2 अंडा 1 रोटी बराबर हो गया, बचा आधी रोटी सुबह बची आपकी। वहाँ क्या रोटी ले गए, थोड़ा स्प्राउट ले लिया या थोड़ा फल ले लिया या दही ले लिया, दूध दही ले लिया आपने। दूध रात को पीता हूँ मैं, रात को सोने से पहले। आपको डेली करीब 3 फल अलाउड है, आपको डेली हाफ लीटर दूध दही चाय से मिला के अलाउड है। तो होता है कि इंडियन डाइट ही बहुत गड़बड़ हम लोग की है, खाली कार्बोहाइड्रेट पीछे पड़े हुए हैं, सारी बीमारी जड़ ये है। दोपहर 2 रोटी कम किया आपने, उसके बाद क्या लिया आपने, एक फल जोड़ लिया आपने, दही जोड़ा, दाल 2 कटोरी कर दिया आपने, दाल बढ़ा ली। सुनिए रात को भी आपने 2 रोटी किया, 2 अंडा एक रोटी बदले 2 अंडे कर दिया आपने, 1 रोटी बचा उसे फल ले लिया आपने, संतरा सब कुछ लीजिए, क्योंकि फ्रूट भी फ्रूट फलों में फ्रक्टोज होता है, किसी फलों में चीनी होता है, चाहे आम लो अंगूर लो तरबूज किसी में, सब फ्रक्टोज होता है, वो भी एक तरह की शुगर है,
बट फ्रक्टोज ब्लड में जाकर डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बढ़ाता है, पहले इस फ्रक्टोज लीवर में जाएगा और एक्स्ट्रा होगा तो 4-6 घंटे बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है, तो एक्स्ट्रा हर चीज़ नुकसान है। अंडा अंडा सर उबाल के लिया जाए या मतलब फ्राई करके लिया जाए? देखो सुन लो, अगर आपको वेट ज़्यादा नहीं है तो आप कैसे भी ले सकते हो, बट आपका वेट कितना है? 74 के आसपास। तो आप वेट एकदम आप बॉर्डर खड़े हो, आपके वेट 74 मैक्स अलाउड आपको है, तो आप नॉर्मल लो। आप चाहो तो हल्का फ्राइड ले सकते हो, देखें लेकिन ऑयल कौन यूज करोगे? अच्छा गुड फैट, ऑलिव ऑयल, मूंगफली तेल या सरसों तेल, ये गुड फैट होते हैं। इन तीनों को एक फैट यूज करोगे, ये जो गुड फैट होते हैं ये बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं और गुड एचडीएल को बढ़ाते हैं। बाकी जो आजकल बड़ा सफोला या जो सैफ्लावर आता है, सनफ्लावर आता है, अदर ऑयल भी बुरे नहीं है, वो पुफा ऑयल होते हैं। पुफा ऑयल देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं बट गुड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं। जबकि हमारे ये सरसों तेल, ऑलिव ऑयल, मूंगफली ऑयल, ये मुफा ऑयल है, मुफा ऑयल की मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल घटाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी लाइन पे चलता है। वही कह रहा हूँ, क्या बोला, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो जी, तो ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल घटाता है जी, और बैड कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। अच्छा। तो हाई कार्बोहाइड्रेट हार्ट के लिए बहुत बुरा होता है। ठीक। तो हमने ये बोला कि आप समझ लो जी, एक रोटी कम करके जी, उसके बदले में 2 अंडे खा सकते हो जी, या न्यूट्रिला के दाने खा सकते हो, बढ़िया खा सकते हो, स्प्राउट खा सकते हो, उसकी जगह सब्जी बढ़ा दी जाए या सब्जी बढ़ाए या दाल बढ़ा दी जाए। सुन लो, डाइट का फंडा बहुत सिंपल फंडा है कि हमारे इंडिया किसी पता भी नहीं डाइट का फंडा क्या होता है। देखो एक डायबिटिक प्लेट कंसेप्ट कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं डायबिटिक प्लेट कंसेप्ट। आप एक आपका 9 इंच का जो है डायबिटीज डाइट प्लेट कंसेप्ट कहते हैं उसे, आप 9 इंच का प्लेट लो, उसके अंदर कुछ 4 में डिवाइड कर दो। ये देखो कंसेप्ट क्या होता है कि इस डाइट का 9 इंच का प्लेट है जी, तो 4 में डिवाइड कर दिया जी। ठीक है, तो ये देखो जी, पहले हाफ पार्ट में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल हरी सब्जियां होंगी जी, सलाद होगा जी, जान लो जी, तारा नहीं सुना जी, ठीक है ठीक है हाँ। बाकी 1/4 में आएगा प्रोटीन जी, ठीक है, चाहे वो स्प्राउट आए जी, चाहे वो नॉन फैटी चीज आए जी, प्रोटीन पाउडर आए या न्यूट्रिला आए जी, या जो अंडे खा अंडा आए, जो नॉनवेज खाते हैं चिकन पीस आ जाए जी, रेड मीट नहीं खाना है जी, या फिश खाया जाए स्किन हटा के, बाकी 1/4 में इसमें अनाज आना चाहिए जी, देख रहे हो, इसमें चावल, रोटी, दाल, आलू, इवन फल इसी में आएगा जी, फल भी कार्बोहाइड्रेट होता है जी, ठीक हो गया, ये करना है। पर हम लोग इंडियन क्या खाते हैं, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और प्रोटीन तो होता नहीं इस छोटे पार्ट में, थोड़ा दाल आता है और सब्जी इसी में आ जाती है। तो डाइट गड़बड़ा, बहुत गड़बड़ डाइट आपका, सिंपली आप डाइट सही कर दोगे जी, आपको शुगर नॉर्मल आ जाएगा। मतलब मुझे प्रोटीन बढ़ाना है अपने खाने में और गुड फैट बढ़ाना, गुड फैट बढ़ाना है हाँ, ठीक है। दूसरी गलती कर रहे हो आप पे कि आप इंसुलिन की मात्रा, सिंपल फॉर्मूला होता है जी, हर एक दिन छोड़कर खाली पर शुगर चेक करो जी, अगर शुगर 120 से ऊपर आए जी, एक दिन बढ़ा लो जी, 150 से ऊपर आए दो दिन बढ़ा दो, 2 दिन में फिर शुगर चेक किया जी, फिर भी 120 ऊपर आए,
फिर एक बढ़ा दिया, एक सौ पचास फिर दो बढ़ा दिया, तो एक दो बीस आ रहा है, बीस का तो बाईस कर लो, अभी सुबह 50 आ रहा है मार, तो दो बाईस कर लिया, फिर दो दिन सुबह चेक किया फिर 30 आ गया, फिर एक बढ़ा दिया आपने, इस तरह एक दो बढ़ाते जाओगे 10 दिन सुबह नॉर्मल आ जाएगी, समझ गए। थर्ड फैटी लीवर का कुछ मैं गोली चेंज करूँगा, एक कुछ एक गोली आती है जो शुगर भी कंट्रोल करती है, थोड़ा वेट भी कम करती है और फैटी लीवर भी ठीक करती है, तो आपकी दवा चेंज करूँगा मैं आपकी, जिससे आपको उससे सब कुछ ठीक होगा आपको। तो आप इंसुलिन गड़बड़ है आपका, डोज गड़बड़ है, आप इंसुलिन का एक खाने का डाइट गड़बड़ है, प्लस आप पे की टैबलेट गड़बड़ है, तीनों करेक्ट करूँगा विद इन 10 डेज सब ठीक जाएगा। कुछ सवाल पूछना है? मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो डाउन क्यों आता है सर हमेशा? इसीलिए जब भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हो जी, तो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल घटाता है जी, और बैड को बढ़ाता है। मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप बादाम खाएं जैसे। हाँ अच्छे वही बोला, गुड फैट बढ़ाता, वही बोला ना कि मूंगफली होता है बादाम, इसके बाद काजू, काजू मूंगफली भी, मूंगफली भी और ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, ग्राउंडनट, ये छह चीज, और ये भी कनोला ऑयल भी और तीसी तेल भी, ये सब मूंगफली ऑयल होते हैं, मूंगफली फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है और गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ये करना आपको, सिंपली ये चेंज करो, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आई होप वीडियो से नॉलेज मिला कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है।